की सेंट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग हुई जर्जर, मनपा ने घोषित किया धोखादायक, खाली करने का दिया नोटिस। मसाला मार्केट की सेंट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग को मुंबई महानगर पालिका ने अवैध घोषित करते हुए उसे खाली करने का नोटिस लगा दिया है। बता दें कि इस बिल्डिंग में 272 ऑफिसेस हैं, जिसमें एपीएमसी का खुद का ऑफिस भी शामिल है। बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जिसे देखते हुए मनपा ने यह कदम उठाया है। इस पर बोलते हुए एपीएमसी समिति के पूर्व अध्यक्ष कीर्ति राणा ने कहा कि हमने एपीएमसी से मांग की थी कि वो हमें वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराए और इस इमारत के पुनर्निर्माण का प्लान तैयार कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ कराए। हालांकि अधिकारियों में निर्णय शक्ति के अभाव के कारण अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है। महाराज सरकार से बार बार हमने ये फोटो भेजे हैं, बार बार इस बिल्डिंग की हमने मांग की है और आने वाले दिनों में भगवान करे इसी तरह टिका पड़ा है बिल्डिंग। आज भी बहुत बारिश के अंदर भी लीकेज बहुत है, काफ़ी नुकसान हो चुका है, सारे सलिए दिख रहे हैं, सारा बांधकाम जो है पुराना हो चुका है और सबसे VJTI ने इसको चेकिंग करके स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट दिया है और धोखादायक डिक्लेयर हुआ है। तो कृपा करके सभी हमारे व्यापारी जन, हमारे दलाल भाई, सभी को मैं गुजारिश करूंगा कि इस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में अच्छी योजना में हम सब साथ में मिलकर जल्द से जल्द मीटिंग लेकर तुरंत करना चाहिए और हमें वैकल्पिक जगह मिले, ऐसी हम APMC से प्रार्थना करें। देखिए मेंटेनेंस में क्या होता है कि टेरेस से लीकेज था तो टेरेस लीकेज बनाया गया, आजू बाजू प्लास्टरिंग किया गया, बाकी उसके अलावा कुछ भी कोई बड़ा मेजर काम नहीं हुआ है। हम पूर्व संचालक होने के नाते उस टाइम 2.25 कोटी उसका पास किया था, मगर वो वापरा नहीं गया था, वो फंड ऐसा ही रह गया और कांच है, बारी है, वो छोटा मोटा काम होता था, बाकी कोई मेजर काम नहीं हुआ है। और यही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि APMC के अंदर निर्णय शक्ति जो है उसका बहुत बड़ा अभाव है, बहुत विलंब करते हैं, तुरंत कोई कार्यवाही नहीं होती है, तुरंत निर्णय अच्छे नहीं होते। हम कहाँ कहते हैं कायदे के दायरे में बिठा कर निर्णय लीजिए, पर निर्णय लेने की सक्षमता आनी चाहिए, ये हमारी गुजारिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।